अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ग्री डीसी इन्वर्टर, जो ग्री डीसी इन्वर्टर के जो एरर कोड आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर ये वाले एरर कोड आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। E5EE F1 F2 F3 H6 L3 LE, इसके बारे में सब आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो लंबी नहीं होगी, वीडियो पूरी देखना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। जी दोस्तों, ग्री डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर यूनिट है आपके पास, अगर E5 का एरर आ रहा है तो इसके वोल्टेज अप डाउन हो सकते हैं। तो इसके वोल्टेज जब अप डाउन हो गए तो E5 एरर आपको दिखने को मिलेगा। तो ये आप वोल्ट चेक करके उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डबल ई का एरर आ रहा होगा तो उसमें पीसी बोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, इंडोर पीसी बोर्ड और आउटडोर पीसी बोर्ड, इन दोनों में से किसी के एक का प्रॉब्लम होगा तो EEE का एरर आएगा। तो यह आप पीसी बोर्ड चेक करके ये एरर कोड दूर कर सकते हैं। अगर F1 का एरर आ रहा होगा तो इनडोर टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनडोर का टेम्परेचर सेंसर है, उसमें अगर प्रॉब्लम होगा, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो F1 का एरर शो कराएगा। अगर F2 का एरर आएगा तो इनडोर पाइप कोयल सेंसर जो होता है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो F2 का एरर हमें दिखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर F3 का एरर आ रहा होगा तो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर, जो आउटडोर में एक टेम्परेचर सेंसर रहता है, अगर वो ख़राब होगा तो F3 का एरर आपको दिखने को मिलेगा। वो आप चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर H6 का एरर आ रहा होगा तो इनडोर ब्लोअर मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है, इनडोर ब्लोअर मोटर चल नहीं रहे, इनडोर ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर है वो वीक हो सकता है, अगर वो नहीं वर्किंग कर रहा होगा, काम कर रहा होगा तो H6 का एरर मिलेगा दिखने को आपको। अगर 200L3 का अगर एरर आ रहा होगा तो आउटडोर फैन मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो चल नहीं रहे, जिसकी वजह से L3 का एरर आपको दिखने को मिलेगा। अगर LE का एरर आ रहा होगा तो आउटडोर कंप्रेसर का प्रॉब्लम होगा, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा, कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा तो LE का एरर आ रहा होगा। जी दोस्तों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।